नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। ये जो आज एक काफ़ी दिन के बाद फिर से, हमेशा से मेरा यही एक शुरुआत में ऐसे ही बोलता हूँ कि काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वक्त का थोड़ा वो रहता है, लेकिन काफ़ी दिन के बाद ये एक वीडियो है। जो पीछे टूर्नामेंट हुआ हमारा IPL ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा हुआ, हर जगह से हमें सपोर्ट मिली। और जो दिल्ली एकता पिजन क्लब जो है हमारा, उसके द्वारा ये कराया गया IPL का, जो IPL के विनर्स हैं वो, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और उनके जो इनाम है वो ऑलरेडी मैं फेसबुक पे डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो एक बार उस्ताद रिजवान मोहम्मद जो मेरे उस्ताद हैं, वो भी उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे आज दिल्ली में दुबई से उस्ताद अयूब साहब आए हुए हैं, जो कि बहुत ही मशहूर उस्ताद हैं दुबई के। और उनके जो उस्ताद हैं पाकिस्तान से, उस्ताद सखी हसन भट्टी, तो उनके वहाँ से उनकी तालीम है। और वो जो हैं मेरे साथ बैठे हैं उस्ताद अयूब साहब, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा और आप लोगों से भी उन्हें मिलवाना चाहूँगा, उस्ताद अयूब साहब को, कि आप इंडिया आए, इंडिया में जो आपका टूर रहा वो कैसा रहा और कैसा लगा आपको यहाँ का जो कबूतरबाजी का जो शौक़ है। तो आप उस्ताद अयूब साहब, आप लोगों को, दर्शकों को ये बताइए कि कैसा रहा आपका टूर और कैसा लगा यहाँ शौक़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हिंदुस्तान में आके ऐसे लगा जैसे मैं अपने ही भाइयों और भाई सब दोस्तों के साथ अपनी फैमिली में रह के जा रहा हूँ। और यहाँ की कबूतरबाजी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ख़ासकर IPL में देखने आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और नतीजा तो सब अच्छा निकला, लेकिन थोड़ा सा एक टेम्परेचर का आगे पीछे की वजह से कुछ लोगों ने अपना बहुत ही अच्छा दिखाया, बहुत ही अच्छा रहा ये। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं रिजवान भाई से, गुरू भाई से और अपने कमार अरोड़ा से कि ये इस तरह शौक बढ़ाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं। जो चीज़ की से इनके साथ हम मदद करते रहेंगे, बाकायदा इनके साथ ही रहेंगे, ये हमारे भाई हैं और आइंदा जिस तरह भी हिंदुस्तान में होता रहेगा हम साथ ही। दोस्तों, इस बार का जो IPL ऑल इंडिया लेवल था, इसको करवाने के लिए बहुत मेरा जो मेरी मदद की उस्ताद मम्मू, उस्ताद जितिन जैन जो हैं, उस्ताद रिजवान साहब, सबने सपोर्ट करा। मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब मिल करके यहाँ पे ये शौक हो रहा है। और लोगों की एंट्रीज़ भी आई, काफ़ी सारी एंट्रीज आई, जितनी हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी एंट्रीज आई थी। तो मैं इन सबका, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने उस्ताद जो मेरे रिजवान मोहम्मद साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो IPL विनर्स हैं देसी हाई फ्लायर्स और लो फ्लायर्स के, उनके नाम एक बार आप लोगों को रूबरू करा दें, एक बार बता दें, और उनके जो टोटल घंटे बने हैं, ताकि ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि IPL का 2016 में इस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और ये विनर्स। तो सही, आप उस्ताद अयूब के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपका कैसा लगा उनको? उस्ताद अयूब जो है मेरे बड़े भाई नहीं हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तकरीबन इनसे एक साल पहले जो है मुलाकात हुई थी, और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, और शौक के लिए बेचारे इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने शौक देखा और हमारी हिम्मत अफजाई करी। जैसे हम लोगों ने जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करा, उसके साथ साथ मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है और इसको अच्छी तरीके से जो है कबूतर उड़ाएँ इसके अंदर। सही, जो इनाम है जो, और मैं इनाम जो बताता हूँ IPL का और इंडिया लेवल पर जो हमने कराया था कांग्रेस, इसके हाई फ्लायर्स का जो रिजल्ट है, पहले तो सबको जो मैं कॉन्ग्रेट करता हूँ कि सबने जो है इसके अंदर जो जो उनको बधाई देता हूँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं इसके अंदर, मैं दो इनाम और बढ़ाए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का। पहले ये था कि दो ही इनाम जो है वो किए जाएंगे, तीन इनाम किए जाएंगे, लेकिन बाद में उस्ताद उन्होंने कहा कि नहीं, इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसमें पाँच इनाम होने चाहिए। ये बड़े पैमाने पर सबने जो है इसकी थोड़ी लोगों की हिम्मत अपनाई हुई, तो इनाम जो इस तरीके से हाई फ्लायर्स का रिजल्ट जो है देसियों के अंदर, जो फर्स्ट इनाम जाता है इमरान हुसैन मुंबई से 63 घंटे 41 मिनट का, उसके बाद सेकंड इनाम जाता है अजमल मेमन सूरत से 63 घंटे 8 मिनट का, थर्ड इनाम जाता है इलियास भाई मुंबई से 62 घंटे 20 मिनट का, उसके बाद फोर्थ इनाम जाता है आपका सरफराज अकबर मलाड से, ये भी मुंबई से हैं, इनका जाता है 56 घंटे 50 मिनट का, 56 मिनट। फिफ्थ इनाम जो आपका महीपाल कुरुक्षेत्र से हरियाणा से है, 53 घंटे 47 मिनट का।
उसके बाद आपके मद्रासी आईपीए लो फ्लायर, इसका फर्स्ट इनाम जाता है आपका शक्ति कुमार बिहार से, 92 घंटे 41 मिनट का। बहुत अच्छे खिलाड़ी ने कबूतर उड़ाए, इससे बहुत बधाई देता हूँ इनको, अच्छे उड़ाए उन्होंने। और दूसरा इनाम जाता है आपका पंकज कुमार पटना बिहार से, इनके हैं 92 घंटे 36 मिनट, ये भी बिहार से ही हैं। और पहले वाले जो थे आपके ये हैं मुजफ्फरनगर से, बिहार से, शक्ति कुमार जो है। थर्ड इनाम जाता है आपका इमरान अजमेर से, राजस्थान से, 72 घंटे 12 मिनट। चौथा इनाम है आपका इमरान देली बाड़ा इंद्रौल से, जो कि मेरे शागिर्द हैं, 69 घंटे 56 मिनट का। फिफ्थ इनाम है आपका आशीष कुमार मुगल सराय यूपी से, 69 घंटे 28 मिनट का। भाई आप सब लोगों को मुबारक, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने जीता उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जो रह गए उनके लिए भी हम कहेंगे हार्ड लक, मेहनत करोगे इंशाल्लाह आइंदा कामयाब होगे। इस तरह से हमेशा ही, जिस तरह से बड़े लोगों ने आपने ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों ने मिलकर इनकी मदद की, इस तरह मिलकर उड़ाते रहो और प्यार मोहब्बत से रहो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। दोस्तों ये जो आई पी है, ये किसी एक पर्टिकुलर किसी एक शख्स का नहीं है, सबका है, आप लोगों का है, जिसे दिल्ली एकता विजन ऑर्गेनाइज करवा रही है। और बहुत ही बेहतरीन शौक हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल इसमें और बढ़ोतरी होगी और कुछ रूल भी इसमें चेंजेस किए जाएंगे। आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं दिल्ली एकता पिजन्स एसोसिएशन @gmail.com पे, फेसबुक पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं आईपीए को। तो दोस्तों शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप लोगों ने इतनी मदद करी, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स।